नमस्कार दोस्तों, आपको अपने ही चैनल भजन इंग्लिश गुरुकुल में आपका स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो में हर एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग लिख के बताऊंगा, जिससे आपको दिमाग में लंबे समय तक याद रहेगा। मैं अपने इस वीडियो में टेंस और ग्रामर से संबंधित ऐसे छोटी छोटी बातें भी बताऊँगा, जिससे आपको इंग्लिश बोलना, पढ़ना और समझना में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। और हर एक वीडियो में आपको वीडियो के अंत में 5 ऐसे वर्ब के फॉर्म बताऊंगा, जिसको V1, V2, V3 बोलते हैं, ताकि आपको वर्ब भी क्या हो, साथ ही साथ आप मेरे साथ जुड़ के पढ़ सकें और याद कर सकें। आपको कोई भी ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। यदि आप मेरे वीडियो में लगातार बने रहेंगे तो आपको पढ़ना लिखना समझना आसानी से जल्द ही आ जाएगा, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल के नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आज का जो मैं ये कहानी लेके आया हूँ, या फिर ऐसे बोल सकते हैं या फिर पैरा बोल सकते हैं, जो लेके आया हूँ, माई पेरेंट्स मीन्स होता है मेरे माता पिता, यानी मेरे माता पिता हमारे लाइफ में कितने बड़े रोल प्ले करते हैं, उनसे संबंधित इस पर एक कहानी है, ठीक है। इसी को हम लोग इस पर क्या करेंगे, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे वर्ड बाय वर्ड, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे आसानी से इंग्लिश पढ़ना, बोलना और लिखना सीख सके। थे चलिए बिना देरी का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे है माई पेरेंट्स मीन्स होता है मेरे माता पिता, पेरेंट्स मीन्स क्या होता है, माता पिता होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा, माई नेम इज अमित मिश्रा, कोई लड़का है अमित मिश्रा, ठीक है। ये लड़का अपना बता रहा है, इसी ने लिखा है, क्या बोल रहा है, माई मीन्स होता है मेरा, नेम मीन्स नाम, इज मीन्स है अमित मिश्रा, ठीक है। चलिए हम इसको लिख देते हैं, मेरा नाम, नेम मीन्स क्या होता है नाम, ठीक है, ये क्या हो गया है अमित मिश्रा, ठीक है। आप यहाँ पे अमित मिश्रा की जगह आप अपना नाम लिख सकते हैं, आपका जो भी नाम होगा, विक्की होगा या फिर जो भी आपका नाम होगा, लड़का या लड़की जो भी है, ठीक है, जो भी वीडियो देख रहे हैं वो अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा। यहाँ पे क्या है, मित्रा, ठीक है, मेरा नाम अमित मित्रा है, माय फादर इज श्याम मित्रा, मेरे फादर मित्र क्या होता है पिता, पिताजी का नाम यहाँ पे क्या जगह है, ठीक है, माय फादर इज अमित मित्रा, मेरे पिता क्या है श्याम मित्रा है, श्याम श्याम मित्रा, ठीक है, ठीक है, मेरे पिता श्याम मित्रा है, ठीक है। आप यहाँ पे आपके जो पिताजी का नाम होगा आप वो लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए एंड मिस होता है और, माई मदर इज कृष्णा मित्रा, मेरे माता इज मिस होता है कृष्णा, मतलब क्या होता है कृष्णा, यानी उसकी माँ का नाम क्या है कृष्णा, ठीक है, कृष्णा मित्रा। आपके जो मित्र आपका माता जो होंगे वो अपने माता का नाम लिखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, माय फादर इज ए डॉक्टर एंड माय मदर कीप द हाउस इन ऑर्डर। अब देखिए यहाँ पे माय मिस क्या होता है मेरा, फादर मिस होता है पिता, ठीक है, इज मिस है, ए मिस होता है एक, ठीक है, और डॉक्टर मिस होता है डॉक्टर, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं चिकित्सक, ठीक है। मेरे पिता एक डॉक्टर हैं, और एंड मिस होता है और, माई मदर मिस होता है मेरे माता या फिर मेरे माता जी या फिर मेरी माँ, ठीक है। कीप्ट यहाँ पे देखिएगा, कीप मतलब क्या होता है, रखती है। अब यहाँ पे मैंने बोला इसका रखती है क्यों, अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे क्या है, माई मदर क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, और ये क्या है वर्ब है, कीप मीन्स होता है रखना, यहाँ पे क्या है माई मदर कीप, यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या एस लगा हुआ है, अगर यहाँ पे देखिए अगर कोई भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, ठीक है, अगर उसकी अगर वर्ब में अगर एस लगता है तो आप समझ लीजिएगा कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, समझ लीजिए ना, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, मेरी माँ रखती है, ठीक है, द हाउस यानी घर को, ठीक है, हाउस मीन्स क्या होता है घर, ठीक है, इन ऑर्डर, इन मिस का मैं, ठीक है, ऑर्डर मतलब क्या था व्यवस्थित, ठीक है, मेरी माँ घर को व्यवस्थित रखती है, ठीक है।
ठीक है आगे देखिएगा। सी मीन्स मतलब होता है हुआ, ही मतलब क्या हुआ, इज मतलब क्या है, ए मीन्स होता है एक, लेक्चरर मीन्स होता है लेक्चरर, लेक्चरर ठीक है, लेक्चरर मतलब समझते हैं जो कि कोई विषय का क्या कहते हैं जाके किसी स्कूल या फिर किसी कॉलेज में क्या कहते हैं पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं लेक्चरर, ठीक है। इन मीन्स होता है मैं, ए मीन्स होता है एक, ठीक है। गवर्नमेंट मीन्स क्या होता है, जी ओ वी टी लिखा है मतलब क्या था, गवर्नमेंट मतलब क्या था, सरकारी, ठीक है। कॉलेज मीन्स क्या होता है, कॉलेज होता है ठीक है, सरकारी कॉलेज में हुआ, सरकारी कॉलेज में क्या है, लेक्चरर है ठीक है। माई फादर इज हेल्दी एंड हर्टी, मेरे पिता या फिर मेरे पिताजी हैं, हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ ठीक है, एंड मीन्स और, हर्टी मतलब क्या होता है, हिस्ट पुष्ट होता है, हिस्ट पुष्ट ठीक है। हाँ एक चीज़ मैं बताने भूल गया, अगर आपके पिताजी जो वर्क करते हैं आप वो लिखिएगा, और आपकी माँ जो वर्क करती है वो लिखिएगा ठीक है। जैसे इसकी माँ क्या है, लेक्चरर है तो यहाँ पे लेक्चरर लिखा है, अगर आपकी माँ हाउस वाइफ है तो यहाँ पे हाउस वाइफ लिखिएगा, अगर आपकी माँ टीचर है तो टीचर लिखिएगा, अगर आपकी माँ डॉक्टर है तो डॉक्टर लिखिएगा, आपकी माँ जो है वो लिखिएगा ठीक है। अगर आपकी माँ घर में है कुछ नहीं करती है तो आप हाउस वाइफ लिखिएगा ठीक है। अगर आपके पिताजी फार्मर है तो फार्मर लिखिएगा, जो भी है आपके पिताजी वो लिखिएगा ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सी इज आल्सो वेरी हैंडसम, वह है भी, आल्सो मीन्स क्या होता है, भी होता है। अगर देखिएगा किसी सेंटेंस के अगर अंत में अगर टू दिखा तो उसका भी अर्थ क्या होता है, भी होता है ठीक है। अगर सेंटेंस के बीच में अगर कहीं आल्सो है तो उसका मतलब क्या होता है, भी होता है ठीक है। वेरी मतलब क्या होता है, बहुत। हैंडसम मतलब क्या होता है, खूबसूरत, खूबसूरत ठीक है। वह बहुत खूबसूरत भी है ठीक है। सी लाइक्स मतलब वह कौन, उनके पिता ठीक है। लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक, लाइक मीन्स क्या होता है, पसंद ठीक है। वह पसंद करती है, टू रीड मतलब क्या होता है, पढ़ना ठीक है। वह पढ़ना पसंद करती है, स्टोरी मीन्स क्या होता है, कहानी ठीक है। बुक्स मीन्स क्या होता है, किताब ठीक है। यहाँ पे एस लगाए मतलब क्या हो जाएगा, किताबें। वह कहानी मतलब वह कहानी की किताबें पढ़ना पसंद करती है। सी और मतलब ही मीन्स क्या होता है, वह है ठीक है। भेरी मतलब क्या होता है, बहुत। यहाँ पे देखिए डट्टी फुल मीन्स होता है कर्तव्यनिष्ठ ठीक है। डट्टी फुल मीन्स क्या होता है, कर्तव्य निष्ठ ठीक है, कर्तव्यनिष्ठ। वह बहुत कर्तव्यनिष्ठ, एंड मिस होता है और, सिंसियर मिस होता है ईमानदार ठीक है। वह बहुत सिंसियर और कर्तव्यनिष्ठ है ठीक है, मतलब ईमानदार और क्या है, कर्तव्यनिष्ठ है ठीक है। अबाउट मिस होता है के बारे में, के बारे में या फिर के प्रति ठीक है। अबाउट का अर्थ क्या होता है, के बारे में भी होता है और के प्रति भी होता है ठीक है। इज मिस होता है अपना ठीक, हिज मीन्स क्या होता है, अपना। वर्क मीन्स क्या होता है, काम। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है ये, कि वह बहुत अपने काम के प्रति ठीक है, वह अपने काम के प्रति बहुत कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार ठीक है। माय मदर इज वेरी ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट हार्टेड, मेरी माँ ठीक है। इज मीन्स होता है, वेरी मीन्स होता है बहुत, ब्यूटीफुल मतलब क्या है, सुंदर ठीक है। मेरी माँ बहुत सुंदर है और सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट हार्टेड का मतलब होता है नरम, नरम दिल, नरम दिल वाले ठीक है। मेरी माँ बहुत सुंदर और नरम दिल वाले हैं ठीक है। अब आगे देखें तो क्या आ जाएगा, सी इज आल्सो हार्ड वर्किंग, वह कौन, उसकी माँ ठीक है। यहाँ पे आल्सो है, आल्सो मतलब क्या हो गया, भी ठीक है। अगर ये आल्सो यहाँ पे अगर टू होता तो इसका भी अर्थ क्या होता है, भी। तो यहाँ पे हम लोग
देखिए यहाँ पे अगर आल्सो को हम लोग यहाँ यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पे टू का यूज नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे टू का यूज होता है तो अंदर को हम लोग क्या करेंगे आल्सो का यूज नहीं करेंगे। आप इसे समझिएगा, यहाँ पे ग्रामर की छोटी बात है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आल्सो का यूज ना हमेशा सेंटेंस के बीच में किया जाता है और टू का यूज जो होता है वो हमेशा सेंटेंस के अंत में किया जाता है, ठीक है, लेकिन दोनों का अर्थ क्या होता है भी होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, सी इज आल्सो यानी वह है भी, ठीक है, हार्ड वर्किंग मतलब क्या, वह हार्ड वर्किंग भी है, ठीक है, हार्ड वर्किंग मतलब क्या होता है मेहनती, मेहनती, ठीक है। सी डज मतलब वह, डू मीन्स होता है करना, डज मतलब क्या हो जाएगा यस लगा इसलिए क्या हो जाएगा करती है, ठीक है, वह करती है, ठीक है। ऑल मीन्स होता है सभी, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क मतलब होता है घरेलू काम, जैसे कि डोमेस्टिक एनिमल्स पढ़ते होंगे ना यानी घरेलू पशु, उसी तरह क्या हो गया डोमेस्टिक वर्क मतलब क्या होता है घर के काम या फिर घरेलू काम, ठीक है, घरेलू काम, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एस, यहाँ पे लगा इसलिए क्या जाएगा घरेलू कामों को, ठीक है। यहाँ देखिए सॉरी, वह घरेलू वह देखिए यहाँ पे वह सभी घरेलू कामों को इन मीन्स क्या होता है मैं, हर मतलब होता है उसके, उसके अपने, ठीक है, कौन मीन्स क्या होता है अपना, ठीक है, हैंड मीन्स क्या होता है हाथ, ठीक है। यहाँ पे वह घरेलू कामों को अपने हाथों से करती है, ठीक है। सी लव्स मतलब वह, लव्स मतलब प्यार करती है, यहाँ देखिएगा सी लव्स मतलब क्या हो गया प्यार करती है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह सब्जेक्ट है, ठीक है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसके बाद क्या वर्ब है और वर्ब के वर्ब में क्या लगा एस लगा, ये कौन सा टेंस, ये कौन सा टेंस हो गया पड़ जाए इंडिफिनिट टेंस, ठीक है। वह प्यार करती है, करती है, ठीक है। टू कुक्स या फिर वह बनाती है या फिर पसंद करती है, ठीक है। यहाँ पे प्यार देखिए लव्स में से प्यार करना भी होता है पसंद करना भी होता है, ठीक है। सी लव्स मतलब वह पसंद करती है या फिर वह प्यार करती है, यहाँ पे खाना बनाने की बात हो रहा है तो वो सही बात है, वह पसंद करने की बात कर रहा है, प्यार तो नहीं ना करेगा खाने से, खाने को पसंद करती है, ठीक है। कुक मतलब क्या बनाना, वह खाना बनाना पसंद करती है, कुक मतलब क्या है खाना बनाना, ठीक, खाना बनाना, ठीक है। फोर मतलब होता है के लिए, ठीक है, और अस मतलब होता है हमारे, ठीक है, हमारे लिए खाना बनाना पसंद करती है। सो मैनी डेलिशियस डिशेस बहुत, सो मैनी मीन्स क्या होता है बहुत, बहुत सारे, ठीक है। डेलिशियस मीन्स होता है स्वादिष्ट, ठीक है, बहुत सारे स्वादिष्ट डिटेल डिशेस मीन्स होता है व्यंजन, व्यंजन मतलब समझते हैं जितने भी वैरायटी का जो भी वैरायटी बनाया जाता है उसको बोलते हैं डिशेस बोलते हैं, समझ में आया ना। वह पसंद करती है हमारे लिए यानी हमें हमारे लिए बहुत सारे क्या स्वादिष्ट खाना बनाना पसंद करती है, ठीक है। सी आल्सो टेल मी यानी वह, यहाँ पे क्या हो जाएगा भी का हो जाएगा, ठीक है। टेल मतलब सुनाना होता है या फिर बताना होता है, ठीक है, या फिर कहना होता है। यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए इसका सेंस यहाँ पे क्या आता है हम इसको समझते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सी आल्सो टेल्स मी मैन इंटरेस्टिंग स्टोरी, अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग यानी रोचक कहानियाँ सुना रही है, सही ना, तो इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या होगा बताइएगा। सी आल्सो यानी वह भी टेल्स मी मतलब क्या था सुनाती है, मैन इंटरेस्टिंग स्टोरी मतलब क्या था बहुत सारे या फिर अनेक रोचक कहानियाँ, ठीक है। इसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेल मी क्या था कहते या फिर सुनाना, ठीक है, सुनाती है, क्योंकि यहाँ भी एस लगा इसलिए भी ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हो जाएगा, ठीक है। वह सुनाती भी है क्या, मैं मी मतलब क्या था मुझे, ठीक है, मैंने मतलब क्या था अनेक, ठीक है। इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक, ठीक है। स्टोरी मीन्स क्या होता है, स्टोरी मीन्स क्या होता है कहानियाँ, ठीक है, वो हमें बहुत सारे रोचक कहानियाँ सुनाती है, ठीक है। अब आगे देखें तो क्या हो जाएगा, दो हाँ देखे दो स्टोरी यानी उन कहानियों को, उन कहानियों, ठीक है, उन कहानियों गिफ्ट्स मी मतलब देती है, देती है मुझे, ठीक है। ए लॉट ऑफ प्लेजर मतलब क्या, ए लॉट ऑफ मतलब क्या था बहुत सारे,
ठीक है। और यहाँ पे प्लेजेंस क्या होता है, आनंद, ठीक है। यानी ये कहानियाँ हमें क्या करती है, बहुत आनंद देती है, ठीक है। आई इंजॉय देम, मैं आनंद दे मतलब उनका, ठीक है, मैं उनका आनंद लेता हूँ, ठीक है। आई इंजॉय, मैं आनंद लेता हूँ, दे मतलब क्या उनका, ठीक है। वेरी मच मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा, मैं उनका बहुत ज़्यादा आनंद लेता हूँ, ठीक है। माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता, मेरे माता पिता, ठीक है। ऑलवेज मिस होता है हमेशा, टीच मतलब क्या, सिखाती है या फिर बताती है, हम यहाँ क्या करेंगे, सिखाती है, ठीक है। पेरेंट्स, माई पेरेंट्स टीच मतलब क्या होता है, मेरे माता पिता हमेशा, ठीक है, टीच में मतलब मुझे सिखाती है, ठीक है। नॉट टू बी, ये देखिए, नॉट बी, नॉट मतलब क्या होता है, नहीं, ठीक है। स्पीक मतलब क्या होता है, बोलो, ठीक है, बोलना। लाइन इसका होता है झूठ, ठीक है। मेरे माता पिता हमेशा सिखाती कि झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। नॉट मीट बैड पीपुल मतलब नहीं, ठीक है, मीट मतलब क्या है, मिलना है, और नहीं मिलना, बैड मतलब क्या है, बुरे लोग, बुरे लोग, ठीक है। क्या बोलती है, झूठ बोलने और क्या है, बुरे लोगों से नहीं मिलने के लिए क्या करती है, सिखाती है या फिर बताती है, ठीक है। आगे देखें यहाँ पे, ऑल्सो साथ ही साथ, साथ ही साथ, दे मतलब क्या, तो वे, ठीक है, टीच मी मतलब सिखाती है, साथ ही साथ वे मुझे सिखाती है, ठीक है। अब मी मीन्स क्या होता है, मुझे, टू रिस्पेक्ट मतलब क्या होता है, आदर करना, साथ ही साथ वे मुझे क्या करते हैं, आदर करना सिखाती है। एल्डर मीन्स क्या होता है, बड़े लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, आदर, ठीक है। यानी जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो उनसे जो बड़े हैं या फिर हमसे जो बड़े हैं, उनको बोलते हैं एल्डर, मतलब कहते हैं बड़े लोग, बड़े लोगों, ठीक है, ठीक है। यानी बड़े लोगों का आदर करना। और ओवे मिस होता है आज्ञा, ठीक है, देयर एडवाइस उनकी आज्ञा, ठीक है। एडवाइस मिस क्या होता है, आज्ञा, एडवाइस मिस क्या होता है, सलाह, ठीक है। उनकी सलाह मानना क्या करता है, यानी उसकी जो सलाह है उसकी आज्ञा करना, यानी उसकी सलाह मानना क्या करती है, सिखाती है, ठीक है। आई एम, मैं हूँ, ठीक है। वेरी डियर मतलब कहते बहुत, डियर मीन्स कहते प्रिय, ठीक है। मैं बहुत प्रिय हूँ, ठीक है, टू माई पेरेंट्स अपने माता पिता का, ठीक है। माई मीन्स क्या होता है, अपने पेरेंट्स क्या होते हैं, माता पिता, ठीक है। मैं अपने माता पिता के क्या, मैं बहुत प्रिय हूँ, ठीक है। आई लव एंड रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम फ्रॉम माई हार्ट, मैं प्यार करता हूँ, ठीक है, मैं प्यार करता हूँ। आई लव मीन्स क्या होता है, मैं प्यार करता हूँ, और रिस्पेक्ट मीन्स होता है सम्मान, और सम्मान करता हूँ बोथ ऑफ देम मतलब क्या होता है, उन दोनों को, ठीक है, उन बहुत मिस करता है दोनों, ठीक है, को और मिस करता है को, मैं और मैं उन दोनों को सम्मान करता हूँ। फ्रॉम मतलब होता है से, माइंड मिस करता है मैं, मेरी, ठीक है, हार्ट मिस करता है दिल से, ठीक है। मैं अपने दिल से दोनों को क्या करता है, सम्मान और प्यार करता हूँ, ठीक है। आई फील मिस करता है मैं महसूस करता हूँ, ठीक है, या फिर मैं मानता हूँ। लकी मतलब क्या होता है, भाग्यशाली, ठीक है। मैं महसूस करता हूँ या फिर मानता हूँ या फिर समझता हूँ, ठीक है, समझता हूँ या फिर महसूस करता हूँ। आप यहाँ पे जो भी सेंस लगाना लगा सकते हैं, ठीक है। मैं महसूस करता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ, टू बी सन यानी बेटा होने का, ठीक है, टू बी सन ऑफ माई पेरेंट्स मतलब मेरे माता पिता का, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेटा, ठीक है। टू बी यानी क्या होता है, होना, ठीक है। मैं अपने माता पिता होने का क्या,
मैं यहाँ देखिए, मैं अपने माता पिता का बेटा होने का क्या कहता हूँ, मतलब भाग्यशाली हूँ, ठीक है, कि मैं अपने माता पिता का, मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने माता पिता का बेटा हूँ। इस वीडियो में यह तक, अब देखते हैं अगले 5 फर्ब क्या है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको कहा था शुरू में कि इस वीडियो के जितने भी वर्ब होंगे उसके सभी फॉर्म, यानी जो 5 फॉर्म है, मैं आपको इस वीडियो के अंत में दूंगा, ठीक उसी प्रकार देखिए मैंने ले आया हूँ, ठीक इसी वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। वर्ब फॉर्म देखते हैं इस वीडियो में, जो भी वर्ब, जो भी वर्ब यानी जो भी क्रिया का यूज हुआ है उसका अलग अलग फॉर्म क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए कीप, यहाँ पे देखिए इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद में आगे बताओ, ठीक है। ये क्या वर्ब का पहला फॉर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है और ये पाँचवा है। बेसिकली हमको ना, हमें जो होता है ना, ये 3 यानी V1, V2, V3 को याद करना होता है। V4 में सेम होता है, सब में क्या होता है, एस लगा हुआ होता है, लगा दीजिए एस या ES लगा दीजिए या फिर IES लगा दीजिए, V4 बन जाता है। और V5 में कुछ नहीं करना पड़ता है, केवल ING लगा दीजिए, V5 बन गया, ठीक है। लेकिन सभी हमारे लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है कि ये पहला तो, ये तो वर्ब होता ही, ये सेकेंड और थर्ड, अब जैसे कि समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे क्या किप्ट किप्ट है, यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, यहाँ पे डिड डन लगा हुआ है, इन सभी को याद करना हमारे लिए क्या होता है, कठिन हो जाता है। मैं आपको इसका भी ट्रिक बताऊँगा, आप फिलहाल मेरे साथ रिविज़न भी करते जाइए ताकि आपको लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। आप इसे चाहे तो स्क्रीन शॉट भी मार सकते हैं और चाहे तो एक कॉपी में लिख सकते हैं, चलिए ठीक है, मारें स्क्रीन शॉट। अब आगे देखिए वर्ब फॉर्म कीप मींस होता है रखना, अब कीप देखिए यहाँ पे ये जो होता है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट को दर्शाता है, और ये क्या करता है, जो पूरा काम किया हुआ है, ठीक है, यानी परफेक्ट, ठीक है, ये परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, सॉरी, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो, ये परफेक्ट टेंस को दर्शाता है, ठीक है। और ये जो होता है ना, ये केवल और केवल सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आता है, वो भी कहाँ पे आता है, केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में इसका यूज होता है, ठीक है। और इसका, इस वर्ब का जो यूज होता है ना, ये केवल और केवल क्या होता है, कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूअस हो या फिर वो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, वो क्या हो रहा है, काम चल रहा है, यानी पढ़ने का काम चल रहा है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरा वीडियो बनाने का काम क्या हो रहा है, चल रहा है, यानी ये क्या दिखा रहा है, काम को चल रहा है, ठीक है, यानी उसमें क्या होगा, इसका यूज होगा, V5 का यूज होगा, ठीक है। अब जो काम कर चुका है, जैसे मैं वीडियो बना चुका हूँ, यानी मेरा क्या होगा, वीडियो कंप्लीट हो गया, उसमें क्या होगा, परफेक्ट, यानी परफेक्ट जो काम पूरा हो चुका है उसके लिए हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। और इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं बीते हुए समय को दर्शाने के लिए, जैसे मैंने वीडियो बनाया, आई मेक दिस वीडियो, मैंने ये वीडियो बना लिया या फिर बना चुका हूँ, ठीक है, मैंने बनाया था, ठीक है। अब ये तुम्हारा जो होता है ना, ये तुम्हारा क्या था, प्रेजेंट को दर्शाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाता है ये खास करके। चलिए देखते हैं कीप मींस होता है रखना, ठीक है, और किप्ट जो हो गया ना, ये मतलब क्या होगा, रखा, किप्ट मींस होता है रखना, और किप्ट मींस होता है रखा, और किप्ट मतलब क्या होता है, जो काम पूरा हो चुका है, ठीक है। और ये किप्स और कीपिंग, ये तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में एक ही जैसा रूल लगता है, हम लोग मेनली इस तीनों का यूज V1, V2 और V3 हम लोग यूज करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। कीप मींस होता है रखना, किप्ट मींस होता है रखा, और किप्ट मींस क्या होता है, रखा। लाइक मींस होता है पसंद करना, आई लाइक, और लाइक मींस क्या होता है, पसंद किया, या फिर ये भी क्या होता है, लाइक, ठीक है। डू मींस करना, डिड मींस किया, अडर मतलब क्या, कर चुके हैं, ठीक है। गिव मींस देना, गिव मतलब क्या होता है, दिया, और गिवन मतलब क्या होता है, दे चुके हैं। एडवाइस मींस सलाह, एडवाइस मींस सलाह दिए हैं, मतलब दे मतलब क्या, दिए थे, ठीक है, इसका मतलब क्या, एडवाइस में क्या होता है, सलाह दे चुके हैं, ठीक है। फील मींस क्या होता है, महसूस करना या फिर मानना, फील मींस क्या होता है, महसूस करना या फिर मानना। अब फील मींस होता है महसूस किया या फिर मानना, अब फील्ड मतलब क्या हो गया, महसूस कर चुका हूँ, ठीक है, ये कर रहा हूँ, मतलब ये क्या, फील्ड मींस रखना, किट मतलब क्या, रखना, और ये मतलब किट मतलब क्या, ये रख चुका हूँ, ठीक है। आप इन्हीं तीनों को याद कीजिएगा बढ़िया से, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर भर के साथ, ठीक है, थैंक यू।